नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई, हम तो हमारे तो साथ जो चाहे सुलूक करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सपा नेता आजम खान लगभग 27 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद से ही अपने विरोधियों से कम अपनों से ज्यादा नाराज दिख रहे हैं और ये नाराजगी ऐसी है जिसे शब्दों में खुलकर भी बयान नहीं किया जा सकता है। बस दबी जुबान से घुमा फिराकर तंज कसते रहते हैं और खुद को मजलूम बताते रहते हैं। आजम खान इस वक्त जो दो तरफा मार झेल रहे हैं, ऐसे तो योगी सरकार उन पर मुकदमा लाद चुकी है, वही ऐसे बुरे वक्त में आजम खान को उनके अपनों ने भी पीठ दिखा दी है। इसी बीच रामपुर में लोकसभा उपचुनाव है। यूपी विधानसभा चुनाव तक तो आजम खान जेल में बंद थे, लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान विपक्ष के साथ साथ अपनों पर भी हमला बोल रहे हैं। आजम खान ने कहा कि हमसे बड़ा अपराधी कौन है, हम तो मानते हैं कि हमारे साथ जो चाहे सुलूक करे, हम तो मुर्गी बकरी भैंस फर्नीचर किताब डकैती के मुलजिम हैं, तो हमारा शहर भी वैसा ही मान लिया गया है, तो जो चाहे सुलूक करे, हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई, हम तो हमारे तो साथ जो चाहे सुलूक करें, हम तो मुर्गी बकरी भैंस फर्नीचर किताब डकैती के मुलजिम है, तो हमारा शहर भी फिर वैसे ही मान लिया गया है, तो जो चाहे सुलूक करें, हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान की अपनी एक अलग पहचान है। रामपुर में आज भी एक बड़ा जनसमूह आजम खान का समर्थक है। इसी बीच रामपुर लोकसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है। आजम खान अब राजनीति के मैदान में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और विपक्षियों के साथ ही अपनों पर भी वार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद रहने के दौरान ऐसा आरोप है कि आजम खान की किसी ने भी खैरियत तक नहीं पूछी। सपा के वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया। कई बार पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजम खान ने खुद को पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता बताया और कहा कि पार्टी जो भी हुक्म देगी वो उसे पूरा करेंगे। यहाँ तक कि जब वे जेल से बाहर आए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे थे। इसी बात को लेकर अंदरूनी कला होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जब खुद की किड़किरी होते देखी तो जल्दी से भागते हुए आजम खान से मिलने अस्पताल पहुंच गए। खैर, बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो साफ है, इस वक्त आजम खान अपने ऊपर दर्ज केस से परेशान तो है ही, इसके अलावा उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में खुद को मजलूम साबित कर अपने समर्थकों को वो नहीं खोना चाहते हैं। नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई, हम तो हमारे तो साथ जो चाहे सुलूक करें।